कालनेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, परंतु मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अपने वास्तविक रूप को धारण करो। कालनेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, इसलिए मेरे धैर्य की ना। अरे इतना क्रोध मत कीजिए महाराज लंकेश, मैं तो तुच्छ सा मायावी राक्षस हूँ, मैं आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ, मैं तो बस यूं ही अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना है ना, मैं तुम्हें एक उचित अवसर दूंगा। छल, कपट, माया, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो चाहो सो प्रयोग करो तुम, किंतु इस समय तुम्हें विवश करना है उस तुच्छ वानर को कि तुम्हारी माया में फंसकर वो कालकूट जैसे महाभयंकर विष को ग्रहण कर ले, उसका अंत करना है तुम्हें। हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, किंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? पिताश्री, ये स्वयं को कुछ आदि की योग्य समझ रहा है, छोड़िए इसे, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर इस वानर को समाप्त किए देता हूँ। हाँ लंकेश, उस वानर के जैसी माया तो मैं भी रच लेता हूँ, मैं भी जाऊंगा युवराज की सहायता के लिए। उचित है, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है, मैं जाता हूँ। रुको कालनेमी, इन्हें बहुत अधिक अवसर दे चुका हूँ मैं, हर बार असफल हुए हैं ये। तो आप ये चाहते हैं कि जो कार्य महामायावी विद्युत जीवा और आपके महायोद्धा युवराज मेघनाद नहीं कर सके, वो कार्य मैं करूं, और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप स्वयं भी तो महाबली वानर से तो समझ रहे हैं ना आप कि अगर मैं आपका कार्य कर देता हूं तो मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हुए तो लंका सहित आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा, आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा। अब कार्य करने में आनंद आएगा। समझिए कि आपका कार्य हो गया लंकेश। उचित है, किंतु स्मरण रहे, उस वानर का सामना करने से पूर्व तुम्हें कालिया नाक से कालकूट विष प्राप्त करना होगा। ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए लंकेश, मैंने कहा ना, आप अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। ये हंसने की ध्वनि कुछ परिचित सी प्रतीत हो रही है। ये विचित्र हंसी मायावी कालनेमी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। हो सकता है प्रातः रावण यहां बचे हुए जीवित योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उसे भेज रहे हैं, या कदाचित हनुमान जी को रोकने के लिए। हिमालय क्षेत्र अब अधिक दूर नहीं है, शीघ्र ही मैं द्रोणगिरी पर्वत के निकट पहुंच जाऊंगा।
वेरे, भीतर जाओ। नहीं महाराज, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। भीतर जाने का अर्थ है मृत्यु। एक ही फुफकार में अपने महाविष से कालिया नाग अपने सम्मुख आए प्राणी को गला देता है। सपेरे! कालनेमी का क्रोध भी किसी महाविष से कम नहीं है। भीतर जाओ, जाओ भीतर। सपेरे, चलो भीतर, बचाओ अपनी बीन। हेलो, बीन बजाओ सपेरे, बुलाओ कालिया नाग को हमारे समक्ष बुलाओ। बीन बजाओ। Ha 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 ha